नमस्कार, मेरा नाम है पिंकी और आज मैं आपको समोसे की सब्ज़ी बनाना बताऊंगी। किसी किसी की सब्ज़ी गीली हो जाती है, उसे समोसे अच्छे नहीं लगते और टेस्ट भी अच्छा नहीं आता, और थोड़ी देर तलने के बाद में वो नरम हो जाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी कि सब्ज़ी गीली ना हो। ये मैं सबसे पहले गैस कढ़ाई रखती है। अब इसमें मैं 2 चम्मच तेल डालूंगी, रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो सरसों का तेल या घी, जिसको जिस चीज़ पे बनाना है वो बना सकता है। और कढ़ाई गर्म होती है जब तक मैं आपको सामान बताती हूँ क्या क्या मैंने रखा है इसमें। ये मैंने 8-10 आलू लिए हैं, 1 केजी के करीब होंगे। ये 2 प्याज ली है कटी हुई, 2 हरी मिर्च ली है, 1 कटोरी बेसन और साबुत धनिया लिया है, उसको मैंने ऐसे मसल लिया है, और जीरा, राई, हींग, हरा धनिया, इसके बाद हल्दी, मिर्ची और नमक। ये हम लोग सब्ज़ी बनने के बाद में डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार। देखते हैं, तेल हमारा गरम हो गया है। सबसे पहले इसमें हम ये 3 चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखिए हमारी जीरा राई चटकने लगे हैं। अब मैं इसमें 4-5 काजू डालूंगी। जब तक काजू फ्राई नहीं हो जाता तब तक हमको प्याज और हरी मिर्च नहीं डालनी है। काजू मेरा फ्राई होने लगा है, काजू मेरा ब्राउन कलर का दिखने लगा है, गोल्डन कलर में। अब मैं इसमें हरी मिर्च डालूंगी। हरी मिर्च को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक चलाना है। जब भी आप इस तरीके से समोसे बनाएंगे तो आपके बहुत अच्छे बनेंगे, स्वाद भी अच्छा आएगा। प्याज हमारा आधा पक गया है, अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे और इन दोनों को अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम इसमें हींग डालेंगे थोड़ा सा। अब हम इसमें प्याज भुनने के बाद में हल्दी डालेंगे। 1/2 चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च डालूंगी और नमक स्वाद अनुसार। और इसमें आलू डालेंगे मैश कर करके। लास्ट के जो 1-2 आलू हैं वो हमको ऐसे टुकड़ों में डालना है, ताकि जब खाने के बीच में समोसे आलू जब मुंह में आता है तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर चलाने के बाद में हमारी सब्ज़ी कितनी अच्छी दिख रही है। अब हम इसमें डालेंगे बेसन। बेसन से सब्ज़ी हमारी सूख जाती है, गीली नहीं होती है। इसको अच्छे से मिलाएंगे, ज़्यादा दबाना नहीं है हमको, ताकि आलू ज़्यादा मैश ना हो। बस इस तरीके से मिलाना है, इसे मिलाना है थोड़ी देर तक। आप देखिए सब्ज़ी कितनी अच्छी दिख रही है। सब्ज़ी हमारी बन गई है। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डालने के बाद में
इसको अच्छे से मिलाएंगे। अच्छे से मिल गई है, देखिए। अब हम इसको 5-10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे रूम टेम्परेचर पे। जब तक हम अपने समोसे बनाना स्टार्ट करते हैं, बेलना रोटियां। ये देखिए डो मैंने पहले से लगा लिया था और दो रोटियां बेल भी ली हैं। ऐसे मैंने लोई तोड़ तोड़ के रख ली थी। लोई आप अपने अकॉर्डिंग, कितना बड़ा आपको समोसा बनाना है उस हिसाब से आप बना सकते हैं। मैंने पहले ही इनको तोड़ के रख लिया है। मैंने लोई ली है, इसको ऐसे करना है और ये। अब इसको हमें बेलना है। अब हम पूरी बेलना स्टार्ट करते हैं। रोटी को हमको ओवल शेप में बेलना है और इसके बाद अब हम इसको बीच में से कट कर देते हैं ऐसे। सबसे पहले ये रोटी ली, इसको ऐसे करके मोड़ेंगे अंगूठे के ऊपर और हल्का सा पानी लगाएंगे इसमें और फिर इसमें कोन की जैसे बनाएंगे। पानी लगा के इसी तरीके सारे बना के तैयार कर लेंगे। अब हम समोसे फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। मैं ऑयल पहले से रख दिया था रिफाइंड, अब ये हल्का गर्म हो गया है। समोसे को ज़्यादा गर्म तेल में नहीं डालना है, हल्के गर्म में उनको चल देना। देखना है बस कढ़ाई में जितने समोसे बने उतने ही डालना है। मेरे में 4 बन रहे हैं। अब मैं इनको फ्राई होने देती हूँ, हल्की आंच में ही फ्राई होने देना है, नहीं तो उनमें ऐसे ऊपर पूड़ी के जैसे फूल जाती है वो। ये देखिए हमारे समोसे गोल्डन हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। मैंने 2 समोसे और ऐड कर दिए थे, मेरा ऑयल ज़्यादा था तो। ये देखिए अब मैं इनको निकालती हूँ। ये देखिए हमारे समोसे कितने अच्छे दिख रहे हैं। इसी तरीके से मैं ये 4 और निकाल लेती हूँ। कोरोना के टाइम में जब हम बाहर की चीज़ नहीं खा सकते हैं तो घर में बना के आप ट्राई कीजिए। अभी गर्म है, देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। ये देखिए हमारे समोसे बनके रेडी हो गए हैं और हम लोग इसको सॉस के साथ खा रहे हैं। आप चटनी वगैरह कुछ भी बना सकते हैं।